सी से उन H14 का IUPC नाम लिखेंगे तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। इसको दोस्तों यदि मैं साइक्लो एल्केन की तरह ट्रीट करता हूँ तो नाम क्या बनेगा? यहाँ पे आपके 7 कार्बन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एक इस प्रकार से साइक्लिक रूप से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है। 1, 2 कंप्लीट है, 2 हाइड्रोजन आ जाएगी। इसी तरीके से इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन, 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 2 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन। टोटल हाइड्रोजन कितने हो गए दोस्तों? यहाँ पे आप काउंट करेंगे तो कितनी 1, 4 हो जाएगी। ठीक है, देखिए नंबरिंग कर देता हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6 देखो 7 कार्बन है। 7 कार्बन को दोस्तों हम अपना क्या कहते हैं, ये लिस्ट याद कर लो। 7 कार्बन को कहते हैं हम हेप्ट। और यहाँ पे इसके लिए क्या शब्द यूज़ किया जाता है? जब साइक्लिक एल्केन हम देखते हैं तो साइक्लो शब्द यूज़ किया जाता है, साइक्लो और आपका हेप्ट। और इसके साथ क्या आ जाएगा देखो, एल्केन के लिए यानी कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है तो ए एन ई, नाम क्या बन गया? साइक्लो हेप्टेन। ठीक है, अब देखिए यदि इसको मैं एल्केन की तरह ट्रीट करता हूँ, किसकी तरह ट्रीट करता हूँ? एल्कीन की तरह ट्रीट करता हूँ। तो एल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? यह जनरल फॉर्मूला होता है, यहाँ पे एन बराबर 7 रखते हैं तो देखो यही बनता है, यानी आपके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सेवन कार्बन हो गया। ठीक है, एल्कीन यानी इसमें आपका एक डबल बॉन्ड रहेगा, तो यहाँ पे माना डबल बॉन्ड है, तो इसके साथ H2 आ गया। यहाँ पे H, यहाँ H2, 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 H3 देखो 5, 7, 9, 11 और ये 12 है, प्लस 2 कितना 1, 4 मतलब हाइड्रोजन कंप्लीट है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कार्बन है। 7 कार्बन को दोस्तों हम क्या कहते हैं? हेप्ट। डबल बॉन्ड कहाँ पे आया देखो, इसमें एक नंबर पे आया। डबल बॉन्ड के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? ई एन ई यूज़ करेंगे, तो इसका नाम ये बन जाता है। अब देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड सपोज करो यहाँ इस पोजीशन पे होता 3 पे, तो यहाँ क्या आ जाता? 1 की जगह 3 आ जाता। ठीक है, ये आपके डबल बॉन्ड की पोजीशन अनुसार ये नंबर बदल जाएगा, ये महत्वपूर्ण बात आप ध्यान रखें। और दोस्तों इसका एक अदर नाम बनता है, इसको यदि हम इसकी तरह ट्रीट करेंगे, देखिए उसको मैं लिखूंगा नहीं स्ट्रक्चर, केवल नाम लिख रहा हूँ, मैथिल साइक्लो हेक्सेन भी इसका आपका पॉसिबल नाम है। चलिए मैं बना देता हूँ यहाँ पे, ये आपके 6 कार्बन हैं और यहाँ पे आपका CH3 जुड़ा हुआ है। इसको कितना चाहिए दोस्तों? 2 हाइड्रोजन चाहिए, यानी कार्बन बना ही देता हूँ, चलो मैं कार्बन CH2, इसको कितना चाहिए? 1 हाइड्रोजन। यहाँ क्या जुड़ा हुआ है? CH2। यहाँ भी क्या है आपका? CH2। यहाँ भी CH2, यहाँ भी CH2। टोटल हाइड्रोजन काउंट कर लो 4, 6, 8, 10, 12 और 1, 4। ठीक है, तो इसको है जो इस तरीके से भी, ये सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि इस समय उसका क्या नाम लिखेंगे। वो आपको जैसे ऑप्शन में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन अक्सर ऑप्शन में पूछे जाते हैं, जिस पर आपको ऑप्शन में दे रखे होते हैं, उनमें से एक नाम चूज करना होता है।